गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हिंदी के कक्षा 9th क्लास कृतिका और मेरे संघ की औरतें, ये चैप्टर मैंने आपको आधा एक्सप्लेन कर दिया था, आपको उसका सारांश बता दिया था, जहाँ तक कि वो चोर आया और चोर का मन कैसे बदल गया, यहाँ तक मैंने। आप ये वर्ड मीनिंग देख लें, स्क्रीनशॉट लें और लिख लें, और आगे आपको चैप्टर को समझने में, देखने में, आपको पढ़ने में आपको सही रहेगा। अब आगे, लेखिका के माँ संस्कारों के कारण, जो उन्हें संस्कार मिले थे घर से, जो हमें समझाया जाता, बताया जाता, जिसको हम जानते हैं, देखते हैं एक दूसरे से, इधर के उधर जो बातें सप्लाई होती हैं या पहुंचती हैं लोगों के द्वारा, हमारे परिवार के बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा जो हमें बताई जाती हैं, फिर हम उस पर जो अमल करके चलते हैं, उसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार हमें पूर्वजों से मिलते हैं। संस्कारों के कारण लड़की होने का पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। वो लड़की थी पर वो कभी उन्हें ऐसा महसूस नहीं, अगर लड़का होते तो हम ये कर पाते, लड़की है इसलिए हम ये नहीं कर पाई, ऐसा उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी। दादी का मन था इसलिए वे देश के जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें उन्होंने भाग लिया था। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड हो गया। मतलब ऐसा दुर्भाग्य लेखिका का कि उस समय उन्हें क्या हुआ, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के कारण वे जो वहाँ पे होने जा रही थी मीटिंग वगैरह, उसमें शामिल नहीं हो पाई। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने से लिए खूब रोई, खूब तड़फी, पर उसे किसी ने जाने नहीं दिया। तब 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता के ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास को पकड़ा दिया गया, उससे कहा गया कि इसको पढ़ो। लेखिका को किताबें पढ़ने की सनक थी, अतः जब उसने पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की कथाएँ थीं। वे सारे लेखन पर यह प्रभाव छा गया। उनकी कहानियाँ जादू का कालीन, नहीं 3 किलो की छोरी, कठ गुलाब में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। लेखिका शायद परदादी की मन्नत के कारण, लेखिका और उसके चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं थी। उनकी दादी ने जब घर में पहली उनकी बेटी होने को थी, उनके बेटे को, तब उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि हमें बेटा नहीं बल्कि बेटी ही चाहिए, तो एक बेटी की जगह उन्हें फिर 5 बेटियां मिली, बल्कि उन सब ने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत, इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग, अतः लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम से में जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती थी कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती। चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक था। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगती कि उसके ससुराल वाले नहीं पढ़ते थे, परंतु बाद में इसके लाभ भी उन्हें पता चल गए। लेखिका की दो बहनें जो लेखिका नहीं बनी उनसे भी अधिक स्वायत्त और दबंग थीं। वे अपने अनुसार जीना जानती थीं। गर्मियों में स्कूल के से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज कर दिया करते थे, परंतु अचला तो उसमें बैठ जाती किंतु रेणु पैदल ही आती थी। वो कहती थी हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे, मतलब स्वयं ही चलना फिरना सीखना चाहती थी। वह कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ कर तय कर लेना सामंतशाही का प्रतीक है, अर्थात तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मना कर दिया। इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वह अड़ गई, बोली परीक्षा देने का फ़ायदा बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे आदि आदि, किंतु वह ना मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया कि मैं कह रहा हूँ भी करूँ। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे
बीए की परीक्षा पास कर ली। वह सच बोलने से मैं माँ से दो कदम आगे थी, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते थे। जब कोई कभी उसे इत्र भेंट करता तो वह कहती थी, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। उनका मत ये था कि जो नहीं नहाते हैं उन लोगों को इत्र लगाना चाहिए, और जो डेली स्नान करते हैं उन लोगों को बदबू नहीं आती, तो इत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखिका को तीसरे नंबर की बहन चित्रा भी दबंग थी। वह मन में आई बात करके ही मानती थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी, इसलिए उसके अपने अंक अपने शागिर्दों से कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी तो उसी से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए और शादी उसी से की। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छा अनुसार शादी की। वह लीक पर ही चलती प्रतीत हुई, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। सभी बहनों को लीक से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से ही जी लेना काफ़ी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। वहां नर नारी की पृथकता इतनी हावी थी कि लोग एक साथ पिक्चर देखने भी नहीं जाते थे। मतलब ऐसा था कि किसी पर पुरुष के साथ कोई भी स्त्री नहीं जा सकती थी, कितना भी कठिन कार्य हो। तो इन्होंने वहाँ जाकर इस तरह का माहौल पैदा किया। इन्होंने छोटे छोटे नाटक बनाए, उन नाटक में दोनों लोगों को भाग दिलवाए, पार्टिसिपेट करवाए। उसके बाद वहाँ से लोगों के माइंड बदलने लगा और इस प्रकार की जो प्रथा वहाँ थी वो फिर अलग हो गई। शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराए मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे से बागलकोट में पहुंची। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वह अपने दो बच्चों को पढ़ा सके। उसने उनके पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहां के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा, वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। बिशप ने कहा कि आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका गुस्सा खा गई। बिशप ने भी कहा कि स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका ने संकल्प किया कि वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोल कर रहेगी और कर्नाटक सरकार से मानता भी दिलाएगी। उसने 3 सिरफिरे लोगों को सहायता के से यह काम पूरा किया। उसने तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चों को उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। लेखिका की जिद रेणु की जिद के सामने कुछ नहीं थी। सन 1950 की बात है कि एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया, कोई वाहन बाहर न निकला, यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली थी। मतलब एक बहन इनकी बहुत ही जिद्दी थी, जो हट कर लेती थी उसे पूरा करती थी। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती रही, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका को लगता था कि उस दिन रेणु ने अकेले स्कूल जाने का कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो सब लोगों के साथ रहने से भी हमें अच्छा लगता है और कभी कभी एकांत। छोटी लीड में जय तो होता, बस का कर बताओ, वो कहीं तो नीचे को की कुछ तो दिया नहीं।